Hello everyone, this is Roop in front of you. I hope so, everyone is fit and fine and is doing well and enjoying his or her life. And I'm here with a new topic and new enthusiasm that is with collective phrases. आपको नाउन का जब टेक करवाया था तो उसमें भी बताया था लेकिन आई होप सो वो uh, मतलब लाइक like, मुझे पूरी उम्मीद है की आपने वो वीडियो देख ली होगी और अगर नहीं भी देखी तो डोंट वरी आई एम हेयर आई विल टेल यू की किस तरीके से होते हैं कलेक्टिव नाउन्स कलेक्टिव लाउन क्या होता है हमारे पास ग्रुप्स की तरह जो काम करते हैं वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी अकेडमी है अकेडमी में हिंदी का टीचर है इंग्लिश का टीचर है मैथ्स का टीचर है साइंस का टीचर है एंड मतलब लाइक अलग अलग होते हैं मैनेजमेंट होती है सारी तो हम उसको क्या बोलते हैं हम उनको स्टाफ बोलते हैं तो स्टाफ में क्या क्या आ जाता है स्टाफ में सारे पर्सन आ जाते हैं हिंदी के भी इंग्लिश के भी मैथ्स के भी साइंस के भी सारे आ जाते हैं तो दिस इज आई वोट से कि हमारे पास जब ग्रुप ऑफ पीपल एज अ यूनिट काम करते हैं इकट्ठे होते हैं तब हम ये क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन लेकिन मैं यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर कलेक्टिव फ्रेजेस की बात कर रही हूँ कलेक्टिव फ्रेजेस का मतलब क्या है कि जब हमारे पास जैसे कि अगर मान लो हमारे पास एक पंछी है तो हम बर्ड बोलेंगे बहुत सारे पंछी है दो है तीन है पांच है दस है तो उन्हें हम बर्ड्स बोलेंगे लेकिन अगर पंछियों का झुंड है तब क्या बोलोगे उनका ग्रुप है तब क्या बोलोगे एक घोड़े को हॉक्स बोलोगे दो घोड़ों को तीन को पांच को प्लू को आप होक्स बोलोगे डेफिनेटली लेकिन जैसे ही उनके झुंड की बात कर दी मैंने तो उस टाइम पर मैं क्या बोलूंगी बहुत सारे माउंटेन्स इकट्ठे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा तो डेफिनेटली आपको ये चीजें जो हैं वो सीखने की बहुत जरूरत है ताकि आप करेक्ट इंग्लिश बोल पाओ और बिल्कुल सही वर्ड यूज कर पाओ और आपकी वोकैबरी एनहेंस हो सके जितना आप अपने आप को ग्रूम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा बस वर्ड्स को सीखते जाओ ठीक है सो पहला वर्ड आज मैं आपको बताती हूँ जैसे कि हमारे पास जब घोड़ों का झुंड है इज ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ हॉर्सेस हॉर्सेस का group of horses को हम क्या बोलते बोलते हैं जी इन्हें हम बोलते हैं जी ट्रूप टी आर टी आर डबल ऑफ पी जी हाँ ग्रुप ऑफ हॉर्सेस को बोला जाता है ट्रूप ठीक है है सेना के दल को भी बोला जाता एट द सेम टाइम हमारे पास जब घोड़ों का झुंड मिले आपको उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है जी ट्रुप अ ट्रूप ऑफ हॉसेस यस ध्यान दीजिए मैं ट्रूप बोल रही हूँ नॉट ट्रूप्स ठीक है ट्रूप होता है जी एक घोड़ों के झुंड को बोलते हैं अब का मतलब क्या है जी जब हमारे पास एक इवेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है मतलब लाइक पहले जो है जैसे मान लो शादी का एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे जब किसी पर्सन की शादी हो रही है तो क्या है जी वो पहले क्या करेगा जी उसकी हल्दी होगी है ना फिर उसके बाद क्या होगी उसकी मेहंदी होगी फिर क्या होगा जी डीजे नाइट्स होंगे फिर उसके बाद क्या होगा जी उसकी शादी होगी फिर क्या होगा डोली उठेगी फिर क्या होगा स्वागत होगा फिर उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं होगा क्लेश जिंदगी खराब ठीक है तो मतलब ये मैंने जो आपको बताया ये क्या है जी हमारे पास सीरीज ऐसा तो नहीं है शादी पहले हो गया हल्दी बाद में हो गई है ऐसा तो नहीं है डोली पहले हो गई और फिर उसके बाद शादी बाद में हो गई है ऐसा तो नहीं होता ना सीरीज होती है तो इस ये जो इवेंट्स की सीरीज को ये जब इवेंट्स कॉन्टिन्यूसली होते हैं मतलब कुछ आगे पीछे नहीं हो सकता इनको क्या बोल सकते हैं जी हम सीरीज ऑफ इवेंट्स ठीक है एक और एग्जांपल देते हो आप कितना मोस्ट कॉमनली यूज करते हो मूवीज तो देखते हो ना तो बॉयज तो स्पेशली देखते हो कहते हैं ना सीरीज आई है एक बहुत ही बढ़िया सीरीज का मतलब क्या है पहले पार्ट वन देखोगे फिर टू देखोगे थ्री ये सीधे कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे नहीं ना तो इनको क्या बोला जाता है सीरीज नेक्स्ट वन अ डैश ऑफ फ्लाइज ठीक है घर में क्या है बहुत सारी मक्खियां आने वाला टाइम जो है वो किसका है जी मक्खियों का ही है ठीक है मक्खियों का कैसे है क्योंकि गर्मियां होने वाली हैं गर्मियों में क्या होगा मक्खियां भर की मक्खियां जितना मर्जी साफ कर लो फिनाइल डाल के पोचा लगा लो लेकिन फिर भी मक्खियों का झुंड रहना ही रहना थोड़ी सी चीज गिरी उसके ऊपर झुंड तो आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है वर्ड इसको क्या बोलते हैं स्वाम एस डब्ल्यू ए आर एम मतलब कि ये नहीं बोलना कि मक्खियों का झुंडी बना रहता है उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो ना क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हो वर्ड सीखो उसी को ही अप्लाई करो कहीं ना कहीं तो ये बहुत ही यूजफुल वर्ड है जी फॉर्म नेक्स्ट अ डैश ऑफ क्लिप्स मतलब कि हमारे पास जब क्या है चोटियों का झुंड हो मतलब जैसे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं ना उसकी हाई हाई जो भी हमारे पास चोटियां होती है जैसे कि ये पीक हो गई ये पीक हो गई ये पीक हो गई तो इनको क्या बोला जाता है इन्हें बोला जाता है रेंज ऑफ क्लिप्स रेंज ऑफ क्लिप्स नेक्स्ट वन जी हाँ बच्चे इसमें क्या है जी सोल्जर्स हमारे जवान आपने प्रेड तो देखी होगी परेड में क्या होता है जी हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स है ना लेफ्ट साइड लेफ्ट बोथ राइट साइड लेफ्ट साइड है ना बहुत ही इकट्ठे उठते हैं उनके हाथ पैर जो भी है इतनी प्रैक्टिस की होती है लेकिन वो एज अ ग्रुप काम करते हैं ना ठीक है तो उन्हें क्या बोला जाता है उन्हें बोला जाता है अ रेजिमेंट ऑफ क्लिप्स रेजिमेंट ठीक है रेजिमेंट ऑफ सॉरी oh, मैंने क्लिप्स बोल दिया रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स ठीक है सोल्जर्स के झुंड को यानी कि सैनिकों के झुंड को क्या बोला जाता है A regiment. Next. जी हाँ. A of shoes. जब भी जूते हमारे को मिलते हैं जब भी हम जूते खरीद के लाते हैं हमेशा वो किस पे होते हैं जोड़े पे होते हैं है ना तो हम कभी भी क्या है देखो बच्चों को कंफ्यूजन होती है पेयर ऑफ शूज बोला जाता है पेयर ऑफ शूज मतलब कि दो है ना तो फिर पेयर ही क्यों बोला सीधा शूज ही बोल देते लेकिन एक शूज के जोड़े को मतलब लाइक इनके अगर झुंड है हमारे पास तो हम उनको हमेशा क्या बोलते हैं जी पेयर्स पेयर्स ऑफ शूज अ पेयर ऑफ शूज ठीक है पेयर ऑफ शूज बोल दिया मतलब कि एक जोड़ी जूता अ पेयर्स ऑफ शूज बोल दिया कि मतलब कि लाइक बहुत सारे जोड़िया ठीक है जूतों की नेक्स्ट वन जी हाँ हमारे पास है जी अ डैश ऑफ हाउंड हाउंड का मतलब जान लीजिए सबसे पहले एक तो होता है क्यूट सा प्यारा सा पपी ठीक है एक हमारे पास क्या होता है जो डॉग जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है भोंकने का काम करता है एक होता है उससे भी हाई लेवल हाई लेवल मतलब लाइक जिसको देखते ही डर लगे कि ये तो अभी काटेगा का ही काटेगा का. मतलब लाइक खूंखार सबसे खूंखार यानी कि शिकारी कुत्ता जो हम यूज करते हैं मतलब लाइक बहुत सारे पुलिस पुलिस वगैरह में ज्यादा ये यूज होता है ताकि वो ताकि जो है वो क्या हो सके मतलब कोई भी चीज को वो कर सके कंप्लीट कर सके निकाल सके तो इनको क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है अ पैक ऑफ हाउस मतलब कि शिकारी कुत्तों के झुंड को बोला जाता है अ पैक ठीक है और अ पैक जो है वो क्या हो गया मतलब लाइक सिर्फ और सिर्फ शिकारी कुत्तों के झुंड को बोला गया है सिर्फ डॉग्स के ग्रुप गु, को नहीं बोला जाएगा पप्पी के ग्रुप को नहीं बोला जाएगा जो शिकारी कुत्ते होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके ग्रुप को ही बोला जाता है अ पैक नेक्स्ट जी हाँ. ये आपको देखने पर कैसा सा लग रहा है ये क्या है ये हमारे पास क्या है जी स्टोन्स है ठीक है बहुत सारे पत्थर या फिर अगर इसी तरीके से आपने मिट्टी का भी झुंड देखा होगा ठीक है चाहे हमारे पास पत्थर का झुंड हो चाहे फिर हमारे पास मिट्टी का हो देखिए लिखा भी हुआ है ठीक है, या तो स्टो का या फिर सैंड्स का जब हमारे पास ऐसा कोई झुंड है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं अ हीप हीप ऑफ सैंड्स नेक्स्ट जी हाँ अ डैश ऑफ रबिश डैश ऑफ रबिश तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि पत्थर के झुंड को पत्थर मतलब लाइक इकट्ठे हो जाए मिट्टी के झुंड को इसी के साथ ही आपने इस तरीके से बहुत सारा कूड़ा कचरा जो भी मतलब लाइक खराब चीजें उनका भी झुंड देखा होगा उन्हें भी क्या बोला जाता है उन्हें भी बोला जाता है जी अप ऑफ रबिश रबीश हमारे पास क्या है जी कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही खराब मतलब गंदी है ना उसके लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट डैश ऑफ कैटल ठीक है इसके ग्रुप को क्या बोला जाएगा कि हमारे पास बहुत सारी गायें हैं, ठीक है थीके? मतलब लाइक कोई भी पालतू जानवर इनको क्या बोला जाता है इनके ग्रुप को बोला जाता है हर्ड एच ई आर डी हर्ड ऑफ कैप कैटल ठीक है तो इसे नाएक्स? पास है जी हाँ मधुमक्खियों का छत्ता आपने देखा होगा कहते हैं ना कि जैसे कई बार ये एक बहुत ही मतलब लाइक कहावत भी है कि जैसे मक्खियों का झुंड मैंने उसको ये बात क्या कहना दे छत्ते से ही हाथ पा लिया ज्यादा जो है ना वो पंजाबी यूज करते हैं ये जो लैंग्वेज है से कि कहना तो नहीं था चल कह दिया पर मेरे को भाई माफ करो मैंने बहुत गलती से कह दिया उसके लिए भी यूज होता है ये तो अ डैश ऑफ बीज आपने देखा होगा कि मधुमक्खियों का बहुत सारा एक छत्ता हमेशा ये छत्ते पे ही रहती है और बहुत खतरनाक होता है इन्हें क्या बोला जाता है अ हाइव ऑफ बीज अ हाइव ऑफ बीज नेक्स्ट अ डैश ऑफ स्वाइन अ डैश ऑफ स्वाइन यानी कि सुअरों का झुंड सुअरों के झुंड को क्या बोला जाता है जी हाँ जैसे अभी आपको मैंने कैटल का बताया इसी तरीके से इसके झुंड को भी क्या बोला जाता है हर्ड ऑफ स्वाइन यानी कि बहुत सारे जब सुअर इकट्ठे जा रहे हो झुंड में जा रहे हो उनके झुंड को बोला जाता है हर्ड नेक्स्ट वन यस देखा होगा आपने कि हमेशा क्या होता है बहुत सारे हिरन लगभग इकट्ठे ही जा आ रहे होते हैं मूवीज में भी बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं जिसमें क्या है जी हिरन हमेशा इकट्ठे ही जाते हैं तो आपको इसमें भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ये सेम है हर्ड अ हर्ड ऑफ डियर ठीक है और जो पिछला मैंने आपको बताया उसमें भी हमने हर्ड यूज किया और एट द सेम टाइम कैटल में भी हमने क्या यूज किया हर्ड यूज किया तो मोस्टली जो इस टाइप के एनिमल्स हैं इनके साथ इनके झुंड को क्या बोला जाता है हर्ड बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट वन जी हाँ डैश ऑफ लेबर्स ठीक है तो जैसे आपने देखा होगा कि जो बंदे दिहाड़ी करते हैं तो दिहाड़ी जब भी वो करते हैं ना तो वो अपने काम को जब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेस बना होता है उस चीज के लिए कि आज किसको काम मिलने वाला है किसको नहीं मिलने वाला तो वहां पर मोस्टली जो है ना वो दिहाड़िए ही होते हैं लेकिन उनके झुंड को क्या बोला जाता है कि जब दिहाड़िए इकट्ठे खड़े हो इकट्ठे काम कर रहे हो इकट्ठे किसी की यूनियन हो तो उन्हें क्या बोला जाता है उन्हें बोला जाता है जी अ गैंग ऑफ लेबर जरूरी नहीं है गैंग का मतलब यही हो कि जो स्मगलिंग करता है उसे ही बोलते हैं गैंग नहीं दिहाड़ियों के झुंड को भी दिहाड़ियों के झुंड में से बहुत सारे लोग जो दिहाड़ी करना चाहते हैं मजदूर है उनके झुंड को भी क्या बोला जाता है अ गैंग ठीक है तो वैसे एक टिप यहां से छोटी सी देना चाहूंगी गैंग का मतलब मोस्टली किस लिए यूज होता है जैसे कि अगर मान लो आपने सुना होगा गर्ल गैंग बॉयज गैंग ये हमारा गैंग है ये उनका गैंग है, है ना सुना है ना मतलब लाइक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन जब ग्रुप में काम कर रहे हैं वो क्या बन जाते हैं जी गैंग बन जाते हैं जैसे कि अगर मान लो मैंने ये ले लिया मेरे जैसे कोई गुंडी नहीं चलो गुंडी तो गलत बोल दिया चलो मेरे जैसी शरीफ सी चार पांच दस लड़कियां अगर हैं तो मैं कहूँ की हमारा जो गैंग है वो बहुत ही शरीफ है, है गाय जैसा है लेकिन यही अगर मालूम मैं दूसरे किसी ग्रुप की बात करूँ कि वो बहुत खूंखार है मीस उसे हमेशा काटने को ही आता है तो हम उस टाइम पर बोल सकते हैं कि उनका गैंग बहुत ज्यादा खराब है मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन एक पर्टिकुलर गैंग में है ठीक है तो उसके लिए जैसे अब यहाँ पर लेबल्स हैं लेबल्स भी तो हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप के ही बताए ना कोई वहां पर ऑफिस वर्कर तो नहीं है ना जो तो वहां पे जाके खड़ा हुआ है या उनके बीच में है समझ गए बात को आप समझ ही गए होंगे समझाई कौन गया है आपको आखिर नेक्स्ट डैश ऑफ ट्रीज जी हाँ आपने हमेशा देखा होगा कि पेड़ों का झुंड तो होता ही होता है जो खेती करते हैं फार्मर्स हैं वहां पर तो पेड़ ही पेड़ होते हैं आप कई बार ऐसे मतलब लाइक बाईपास से भी हाँ, मतलब गुजरे हो गए जहाँ पर क्या होता है एक पेड़ की शाखा दूसरे पेड़ की ब्रांच के साथ बहुत ही अच्छे से मिल गई होती है ना मिलन हो रहा होता है उनको लेकिन ऐसे ग्रुप्स को जिसमें पेड़ सीरीज में हो बहुत ज्यादा हमारे पास ग्रुप हो उन्हें क्या बोला जाता है ठीक है अ डैश ऑफ ट्रीज मतलब कि पेड़ों के झुंड पेड़ों के झुंड को क्या बोला जाता है अग्रोव जी आर ओ वी ठीक है अग्रोव ऑफ ट्रीज नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा हमारे पास ब्यूटीफुल सा व्यू हमेशा हमारे को दिखाई देता है अ डैश ऑफ स्टार्स ठीक है जब हमारे हम आसमान में ऊपर झांकते हैं ना जब दादी नानी हमें दिखा रही होती थी मतलब लाइक हमें कहानियां सुना रही होती थी तो वो हमें क्या दिखाती थी वो देखो तारा लेकिन उस टाइम पर हमें एक तारा तो दिखने का आता था हमें कितने तारे दिख रहे होते हैं? सो हजार मिलियन बिलियन तो उनके झुंड को क्या बोला जाता है हम सीधा स्टार्स बोल देते हैं वो गलत है हम उनके झुंड की बात कर रहे हैं जब इकट्ठे बहुत सारे तारे हैं आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे उनके झुंड की बात हो गई है तो हम उस टाइम पर क्या बोलते हैं इनको गैलेक्सी जी हाँ अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स नेक्स्ट वन अ डैश ऑफ आईलैंड ठीक है सबसे पहले तो आप इतनी सी बात समझो कि आइलैंड्स के आइलैंड्स क्या होता है हमारे पास ठीक है आइलैंड हमारे पास होता है जी कोई सॉरी <laughs> एक्चुअली कई बार क्या हो जाता है गलती हो जाती है गिर जाता है इंसान बट उठना आना चाहिए उसे चलो एनी हाउ लेट्स फोकस ऑन आवर वीडियो इसमें क्या है जी मैंने आपको स्पेशली इस तरह की यहाँ पर पिक डाली है इसमें क्या है अलग अलग धरती के टुकड़े होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स में होते हैं है ना मतलब लाइक छोटे होते हैं मोस्टली और एलेंट्स मोस्टली बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं तो इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है इनके ग्रुप को कुछ नहीं बोला जाता इनको ग्रुप ही बोला जाता है मतलब अगर बहुत सारे एलेंट्स इकट्ठे है ना जैसे ये आइलैंड रहा, ये आइलैंड रहा, ये रहा ये रहा ये रहा तो इनको क्या बोला जाता है अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। नेक्स्ट अ डैश ऑफ बर्ड्स मुझे बर्ड्स जो है ना बहुत ही प्यारे लगते हैं तो इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है जब इनका ग्रुप इकट्ठा उड़ता है देखो सिंपल बर्ड को बर्ड बोलेंगे इनके मतलब फॉर्म को क्या बोलेंगे birds बोलेंगे बर्ड्स लेकिन यहाँ पर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर उड़ते हुए पंछी हैं जो ग्रुप में उड़ रहे हैं आपने कई बार देखा होगा कि अब जैसे गर्मियों का टाइम है तो गर्मियों के टाइम में क्या होता है पंछी इकट्ठे आ जाते हैं लेकिन जैसे ही उनके पास जाओ वो इकट्ठे उड़ान भर लेते हैं और इनकी उड़ान बहुत ही मतलब लाइक ब्यूटीफुल से लगती है और एक छोटी सी सजेशन मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी कि गर्मियों का टाइम आने वाला है तो प्लीज मतलब लाइक इन पंछियों के लिए थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो अपने घरों के बाहर रखें छतों पर रखें ताकि इनको प्यास लगे जैसे वो ना कौआ प्यासा था वो प्यासा क्यों था क्योंकि हमने पानी नहीं रखा बेचारा प्यासा कैसे उसको कंकर डालने पड़े बट हमें कंकर डालने ही क्यों देने हैं तो इससे बेटर ये है कि आप अपने अपनी छतों पर थोड़ा थोड़ा पानी जुगुल के इससे क्या होगा इससे आपको मतलब लाइक हमें नहीं पता कि उस बंदे ने उस मतलब पक्षी ने पानी पिया है या नहीं पिया लेकिन एट द सेम टाइम आपने वहां रख दिया ना आपने अपना काम कर दिया आप जो है वो ह्यूमन कैटेगरी में आ गए मीन्स टू से आप बहुत मतलब एक अच्छा काम करोगे और डेफिनेटली इसको इसका आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा चलो एनी हाउ अब हम यहाँ पर आते हैं कि बर्ड्स के जब इस तरीके से जब पक्षी उड़ते हैं इनके ग्रुप को एक पर्सन को ना एक की बात नहीं कर रहे इनके ग्रुप की जब वो होती है मतलब लाइक इकट्ठे उड़ते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं अ फ्लाइट ऑफ बर्ड ठीक है देखिए वैसे तो हम क्या वर्ड यूज, यूज करते हैं फ्लाई यूज करते हैं पंछियों के उड़ने के लिए है ना लेकिन यहाँ पर फ्लाई वर्ग नहीं यूज की मैंने वर्ड यूज किया वो कौन सा यूज किया जी फ्लाइट जिस किस में यूज किया है जी ग्रुप ऑफ बर्ड्स नेक्स्ट अ डैश ऑफ शीप्स ठीक है ये मोस्टली जो हमारे कश्मीर वाली साइड में ये चीज होती है कि जब Uh, मतलब शीप्स जो है ना इकट्ठी चराने के लिए ले जाते हैं वहां पे पहाड़ों पे बेचारे ये चलती रहती है और ये है पहाड़ों में ये क्यों ज्यादा होती है क्योंकि मतलब लाइक वहां पर बहुत सारे हमारे पास मिनरल्स होते हैं बहुत ही वहां पर क्या है जी जड़ी बूटियां होती है जैसे ये जड़ी बूटियां खाती है चुगती है और वही चीज ही हमारे लिए बेनिफिशियल होती है ठीक है तो शीप जो है ना भेड़ बहुत ही काम की चीज होती है आप आपको अगर नहीं पता तो आई थिंक यू मस्ट गूगल इट कि हाँ अगर शीप की बात करें तो ये मतलब लाइक सो तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है इसके ग्रुप को क्या बोला जाएगा इसके ग्रुप को बोला जाएगा जी फ्लॉक एफ एल ओ सी के फ्लॉक ऑफ शीप ठीक है जब हमारे पास भेड़ों का मतलब लाइक बहुत सारे भेड़े हैं उनका ग्रुप है तो हम उन्हें बोलते हैं फ्लॉक एफ एल ओ सी के नेक्स्ट डैश ऑफ माउंटेन्स ये जो है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि माउंटेन्स के लिए ना वो क्या कर देते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स एग्जाम्पल दे देते हैं ठीक है थीके? लेकिन जब हमारे पास माउंटेन्स का मतलब पर्वतों का झुंड है तो हम उस टाइम पर उन्हें रेंज ऑफ माउंटेन्स नहीं बोलते हैं ये हमारे पास गलत हो जाएगा कलेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो अ डैश ऑफ माउंटेन्स यानी कि अ चेन ऑफ माउंटेन्स माउंटेन्स की चेन होती है ठीक है नेक्स्ट जी हां अ डैश ऑफ पीपल कितने खुश लग रहे हैं है हाँ ना पक्का कोई दिलजीत का गाना सुना होगा उन्होंने किसी कॉन्सर्ट में होंगे तो जब हमारे पास लोग इकट्ठे होते हैं वैसे इंडिया में तो कोई बड़ी बात नहीं है हर हाँ जगह चले जाओ चाहे रेलवे स्टेशन पे चले जाओ बस स्टैंड पे चले जाओ हर हाँ जगह ऐसे ही लगेगा कि हम जो है बहुत ही भीड़ में हर हाँ जगह भीड़ ही मिलेगी वैसे भी इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है अगर आपको पता हो तो चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया अब तो कोई भाई कोई बड़ी बात नहीं है तो ऐसे मतलब जब हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल है तो हम ग्रुप ऑफ पीपल नहीं बोलते क्या बोलते हैं जी क्राउड ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ पीपल इज अ डैश ऑफ स्टिक्स जी हाँ जब हमारे पास क्या है जी बहुत सारी लकड़ियों का झुंड है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं अ बंडल ऑफ स्टिक्स नेक्स्ट अटैच फ्लॉस ठीक है एक लड़की को बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये चीज बट जब हमारे पास एक फ्लावर दिया जा रहा है तो फ्लावर बहुत सारे फ्लावर अलग अलग दिए जा रहे हैं तो फ्लॉस और वही अगर मान लो का हमने गुच्छा बना दिया ठीक है तो वो उस टाइम पर हमारे लिए क्या बन जाएगा अ बुके ऑफ फ्लार्स देखिए यहाँ पर स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी मैंने टी लिखा तो है लेकिन उसको बोला नहीं है इट इज बुके ऑफ फ्लार्स बुके स्नैक्स अ डैश ऑफ ग्रेप्स जी हाँ जब हमारे पास अंगूर अंगूर कभी अकेला आता है क्या एक तो कभी भी नहीं आएगा और अगर मान लो मैंने इनको तोड़ के अलग अलग कर दिया चार पांच कर दिया तो वो ग्रेप्स बन गए बट यही अगर मान लो मैं एक गुच्छे को लेकर बैठ गई ग्रेप्स के तो अब उस टाइम पे हम इन्हें क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं जी बंच ऑफ ग्रेप्स बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का गुच्छा ठीक है लिया अंगूर खट्टे हैं लेकिन मतलब उसने दो चार खाए थे तो इसलिए ग्रेप्स यूज किया लेकिन अगर गुच्छा खाया होता उस लोमनी ने तो हमें शायद मतलब लाइक बचपन में ही हमारे को ये बात समझ में आ जाती कि मतलब गुच्छों को इंग्लिश में बोला जाता है बंच नेक्स्ट ये है जी चाबी बहुत ही जरूरी है घर की औरत के पास होती है हमेशा और ज, आ, सिर्फ और सिर्फ घर की नहीं होती है ठीक है और किसकी होती है वो तो आप समझ ही गए होंगे चाहे हस्बैंड की क्यों ना हो चाहे फिर घर की ही क्यों ना हो चाहे कोई भी हो रहेगी हमेशा औरत के पास ही लेकिन और स्पेशली मैं इंडियंस की इंडियन लेडीज की बात करूँ तो वो तो बल्कि जैसे साड़ी बांध लेंगे और कमर पे स्पेशली बहुत ही मतलब लाइक छल्ला सा लेके हाँ देखो मेरे चाबियां इतनी, इतनी अथॉरिटी है मेरे पास लेकिन चाबी जो है वो सिर्फ उससे बोला जाता है की और जो हम हमारे पास बहुत सारी चाबियां हो जाए तो हम उन्हें बोलते हैं कीज लेकिन यही अगर मान लो उनका गुच्छा बना हुआ है तो हम उस सिर्फ और सिर्फ कीज नहीं बोलते उन्हें भी हम क्या बोलते हैं A bunch of keys. I hope so. आप तो समझ में आ गई होगी दिस इज फॉर थैंक यू सो मच एंड प्लीज यूज दिस वर्ड इन योर डे टू डे लाइफ थैंक यू सो मच बाय